हेलो नमस्ते जोहार आप सबको दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक बढ़िया हैं और आपका दुआ आपका कृपा से हम भी एकदम फर्स्ट क्लास से बढ़िया हैं। और अभी हम इस ग्राउंड के पास बैठे हैं, देख रहे हैं इधर सूखा हुआ कुआं है तो पानी नहीं है, देखिए इसे पे पानी नहीं है और इस पेड़ के पास बैठे हैं लेकिन हवा भी नहीं चल रहा है, पर कुछ हवा नहीं चल रहा है पर, लेकिन यहाँ पर बैठने पर थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज दिन भर जानते हैं ना बड़ी हैवी गर्मी, बड़ी भयानक धूप, कहीं जा भी आप नहीं सकते, इतना तेज़ धूप था और चिपचिप गर्मी पूरा शरीर चिपचिप, जितना नहाइएगा ना कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको नहाने का मन करेगा, ऐसा गर्मी है। तो अभी हम बस इस ग्राउंड के पास आए हैं बैठने के लिए, देख रहे ग्राउंड है और मेरा घर उस तरफ है, उधर आप रहते हैं और वहाँ से हम इधर ग्राउंड तरफ आए हैं बैठने के लिए। घर में बड़ी हैवी गर्मी लग रहा है और पंखा भी चल रहा है तो एकदम गर्म हवा फेंक रहा है एकदम, इसलिए सोचे कि चलो आज थोड़ा सा ग्राउंड तरफ बैठते हैं। इधर ही हम ग्राउंड तरफ आकर बैठे हैं और आधा घंटा बैठेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और उधर देखें, उधर भी कुछ लोग बैठा हुआ है, झुंड के वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और इस तरफ भी बैठा हुआ था लेकिन चला गया। और देख रहे उधर छत में भी कुछ लोग खड़ा हुआ है, हवा ले रहा है। और अभी टाइमिंग हो रहा है शाम का 5:30 बज रहा है, 1 बजे 2 बजे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आज कहीं नहीं गए, आज घरे में थे, इतना गर्मी में कहाँ जाएंगे। तो बस वही हम इधर ग्राउंड तरफ आए हैं थोड़ा टहलने के लिए बैठने के लिए। तो एक नज़र आपको दिखाते हैं इस तरफ कैसा है ना, देखिए दोस्तों इस टाइप का। तो दोस्तों अभी हम रांची में हैं और इससे पहले हम बोकारो में थे। अब बोकारो में भी जानते हैं बड़ी हैवी गर्मी लगता है क्योंकि उधर कोयला है जिसके वजह से थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगता है। और रांची में भी तो गर्मी है लेकिन रांची से ज़्यादा तो हम बोले तो बोकारो ही में ज़्यादा गर्मी है क्योंकि कोयला खदान है, उसीलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगता है। और ये रांची में तो कोयला खदान है नहीं, लेकिन गर्मी इधर भी है लेकिन उतना गर्मी नहीं है जितना कि बोकारो में गर्मी है कोयला की वजह से। तो दोस्तों बस अभी स्टॉप करते हैं वीडियो और पानी भी दे सकता है ये हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब पानी बरस जाए, हो सके तो पानी अभी बरस जाएगा, इसलिए मौसम का कोई गारंटी नहीं कि कब पानी आ जाएगा कब क्या हो जाएगा। तो वाटर पार्क आप लोग घूमिए इंजॉय कीजिए, गर्मी का मौसम अभी है ख़त्म हो जाएगा, ठंडा आ जाएगा तो फिर वाटर पार्क घूमने में मज़ा भी नहीं आएगा। और इससे पहले देखे थे ना जो दामोदर नदी के जो हम ब्लॉग लाए थे, देखे थे कितना एंजॉय सब नहा रहा था नदी में, नदी का पानी भी कितना साफ था। तो दोस्तों आपको हम ज़्यादा देरी बोर नहीं करेंगे, आपको नहीं पकाएंगे क्योंकि जानते हैं ना कि ये वीडियो जहाँ तक जाएगा ना, जितना दूर तक जाएगा ना, वो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आप हम लोग सब मिल के रहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, तो कम से कम आपसे हम बात करते हैं ना उनको बहुत ही बेस्ट लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो बस अभी रखते हैं क्योंकि अब हम निकलते हैं घर को, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नीरोचक नीरोचक नी ब्लॉग साथ। तो बाय बाय, जय माता दी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।